इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में व्यापारी के पुश्तैनी घर में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने वहां काम करने वाले नौकर सहित तीन आरोपियों को उदयपुर जिले के चांसदा कुरबाड़ से गिरफ्तार किया है। शनिवार को कंट्रोल रूम में डीसीपी पंकज कुमार पांडे ने खुलासा करते हुए बताया कि 2 नवंबर की रात संतोष वागले के यहाँ नग बजने की वारदात हुई थी, जिसमें आरोपी 32 लाख की ज्वेलरी और 5 से 6 लाख नगद ले उड़े थे। इसके बाद तीन थानों की 20 लोगों की टीम ने अलग अलग तरीके से काम करते हुए आरोपी नौकर नरेश, उसका दोस्त भारत पटेल और चोरी का माल रखने वाले ईश्वर को पकड़ा और उन्हें उदयपुर जिले से इंदौर लेकर आई। फिलहाल बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। तो जो फरियादी हैं उन्होंने जब थाने में रिपोर्ट करी तो इसको सभी ने गंभीरता से लिया। हमारे जो एडिशनल एसपी साहब हैं, एसीपी साहब हैं और थाना प्रभारी हैं, इन्होंने टीम फॉर्म की और सूचना संकलन किया। जो इनके यहाँ कुछ दिनों पहले नौकर आया था उसके बारे में छानबीन की, जब जानकारी ली तो पता चला कि वो राजस्थान का निवासी, उदयपुर ज़िले का। तुरंत ही एक टीम रवाना हुई, वहाँ उसके बारे में जानकारी ली, उसको गिरफ्तार किया। उसके द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के नाम बताए गए। पुलिस टीम ने स्टे करके वहीं पर लोकल पुलिस से, जो उदयपुर की पुलिस है, उनसे भी सामंजस्य बैठाया और एक जॉइंट एफर्ट करके आरोपियों गिरफ्तार करके, और जो माल गया था चोरी का, आभूषण गए थे, कैश गए थे, उनकी जब्ती की और तीन आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। अब आगे उनकी कार्रवाई की जा रही है।